दोस्तों मैं हूं स्थानीय इफ्तार और पार्ट ऑफ ये है यार कि एक्चुअली आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मर्सिडीज ई क्लास पे। बाय द वे आप लोग पहले शॉर्ट्स देखिए उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकेशंस बताते हैं। तो आज हमारे पास मर्सिडीज बेंज ई क्लास है और जिसका मॉडल है E230। कर्ब हमारे पास है 1605 kg। बूट स्पेस 540 लीटर है। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट एंड बैक व्हील में सस्पेंशन मौजूद है। ग्राउंड क्लीनर 158 मिलीमीटर है। अगर हम लोग इंजन की बात करते हैं तो 204 हॉर्स पावर इंजन मौजूद है इसमें। व्हील की बात की जाए तो व्हील साइज है 16 इंच है। नंबर ऑफ डोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास इसके 4 डोर्स हैं। ओवरऑल इसकी हाइट की बात करते हैं तो 1483 मिलीमीटर हमारे पास है। अगर हम लोग मिनिमम टर्निंग रेडियस की बात करते हैं तो 5.3 मीटर है हमारे पास। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। ब्रेक्स की बात की जाए तो इसमें डिस्क ब्रेक्स मौजूद हैं। अगर हम लोग गियर की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें 6 गियर्स हैं और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है और इसका फ्यूल टैंक 65 लीटर है। अगर हम लोग इंजन की बात करते हैं तो 204 हॉर्स पावर इंजन मौजूद है इसमें। इसकी डिग्गी काफ़ी खुली है और इसमें आपका बहुत सा सामान आ सकता है। और इसमें 5 अफराद आसानी बैठ के सफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसे ही एबटाबाद सिटी की तरफ निकल पड़े। हाँ जी भैया, तो यार आप लोगों ने अभी शॉर्ट्स तो देखे और बाय द वे अभी हम लोग बात करते हैं संजील भाई से जिनकी एक्चुअली गाड़ी है और वो बताएंगे कि यार स्पेसिफिकेशंस वगैरह और दूसरी बात है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसके साथ साथ कुछ जो न्यू मॉडिफिकेशंस हैं या कुछ जो नहीं है इस गाड़ी में वो होना चाहिए। तो चले संजील भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई जी। तो कैसे हैं आप? तो आप कुछ बताइए अपनी गाड़ी के बारे में, लाइक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। भाई ये है 1996 मॉडल मर्सिडीज ई क्लास, E230 है इसका इंजन, 2300 cc जिसे कहते हैं। ओके, इसमें और भी काफ़ी वेरिएंट्स आए हैं, 2400, 2300 और इसमें ये बेसिक वर्जन है। भाई इसमें एक तो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है ऑटो जो दूसरे वेरियंट्स में आता है, इसमें फुल ऑप्शन वाले में, इसमें साथ सनरूफ भी आता है और मेमोरी सीट्स वगैरह। ये सिर्फ सिंपल है, इसकी हाथ से एडजस्ट करनी पड़ती है सीट्स वगैरह और सब कुछ, और मैनुअल है एसी कंट्रोल। बाकी इसमें इसकी एवरेज जो है फ्यूल की वो है सिटी में राउंड अबाउट 9 किलोमीटर। ओके, और लॉन्ग पे यार मुझे इतना आइडिया नहीं है, 11 या 10 कर दिया। 11-10 मैक्सिमम 11-10 हो जाता है। और ऑटो ट्रांसमिशन है ये, ठीक है। एक बुरी बात है कि ये ज़्यादा खाती है। ठीक हो गया, इंजन बड़ा है और
पार्ट्स बहुत महंगे हैं इस गाड़ी के। पार्ट्स ये तो है, गाड़ी की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है पर लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। सही। और सैंड भाई इसमें ग्लव, इसकी आर्म रेस्ट के अंदर क्या नाम है, कूल बॉक्स भी है, ठंडी रखनी हो, ग्लव बॉक्स वगैरह लॉक होता है इसका। ओके। और इसमें क्रूज कंट्रोल भी है और इसके सारे कंट्रोल जो है ना, ये इंडिकेटर्स वगैरह, वाइपर, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड पे ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच संजील भाई। ओके सर। रिव्यू वीडियो तो ख़त्म हो गया यार, लेकिन मैं अभी कॉन्सर्ट्स जा रहा हूँ। मैट्रिक के बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी और उसके बाद आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्रिकेट खेलने के बाद मैं अभी संजील भाई के साथ आया हूँ क्योंकि संजील भाई का थोड़ा सा काम था। तो अभी हम सैफ बेकर एंड स्वीट्स पे आए थे, तो जदूं से सीधा गेड़ी मारते मारते घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी भैया यार, तो मैं आ चुका हूँ वापस घर में। देखो यार, मुझे भी दूसरे बॉयज की तरह स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है। ड्रिफ्टिंग रेसिंग तो दीवाना हूँ मैं इस चीज़ का, लेकिन जानिए लग्जरी कार का अपना ही एक लेवल है, अपना एक स्वैग होता है और अपना ही जानी शशका होता है, एंड आई लव दिस। क्रिकेट की बात करते हैं तो मैट्रिक में मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था और उसके बाद मैं आज आ रहा हूँ और मेरी बॉडी के अंग अंग में पेन हो रहा है। तो चलता है आपका।